आपको पहले मैं एक खबर देना चाहूँगा कि हमारे प्रिय महाराज जी, पूज्य महाराज जी, जो वृंदावन के वासी हैं, यहाँ मंदिर में विराजमान हैं, उनको मेरा प्रणाम है। और आप हम सबको लगभग 20 दिनों तक कथा सुनाएंगे, शास्त्र सिखाएंगे, भक्ति बताएंगे, आपको मेरा प्रणाम। और आप सबको, आप जानते हैं, निमंत्रण मिल चुका है, फिर से निमंत्रण देता हूँ कि महाराज जी बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, आप सब आइए। और मातृ महिमा जो सुनाएंगे महाराज जी, आप सब सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। आज कथा का 10वां दिन, आज 10 दिन से हम लोग कथा सुन रहे हैं गरुड़ पुराण की। तमाम सारे सवाल जो आप लोगों ने किया, और मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कि अब आपके प्रश्न नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल थे, पूजा हो सकती है कि नहीं, हम लोग तो मंदिर बंद कर देते थे, हम लोग पूजा नहीं करते थे, भगवान को फूल नहीं चढ़ाते थे। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे भक्त लोग अपने घरों में पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं शंकर भगवान को, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात। और बहुत सारे लोग अपने पितृ लोगों के तर्पण के लिए आते हैं, और जो मुझे खबर मिल रही कि दूसरे मंदिरों में भी लोग जाना शुरू किए हैं पितृ तर्पण के लिए, पिंडदान के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी से मैं खबर करूं, हम इसको पितृ तर्पण कर कहते हैं, लेकिन यह जो समय है पितृ यज्ञ का समय है, इसको यज्ञ कहा जाता है, पितृ यज्ञ। यह जो 15 दिन का समय, जैसे नवरात्र में हम दुर्गा माता के यज्ञ करते हैं, राम जी का यज्ञ करते हैं, शिव जी का यज्ञ करते हैं, हाँ, शिव पुराण सुनते हैं, श्रीमद् भागवत जी का यज्ञ करते हैं, वैसे ही पितृ यज्ञ है। तो आने वाले वर्ष में ध्यान रखिए कि हम लोग मंदिर में कथा भी करेंगे। तो आपको पूरी जानकारी जो मुझसे बन पड़ रही है आप सबको मैं बता रहा हूँ, और अच्छा लगता है कि आप सब जो है बहुत ध्यान से सुनते हैं। और जो वीडियो है मैं देखता हूँ यूट्यूब पर या फेसबुक पर, आप देइला करते हैं तो बहुत अच्छा, इस कार्य को करते रहिए, लोगों तक पहुँचाते रहिए, बहुत बड़े पुण्य का काम है। और सूरीनाम, हॉलैंड, आप जहाँ से भी देखते हैं और लोगों तक पहुँचाइए, जिससे और लोगों का भला हो सके। तो आज 9वां अध्याय है, एक सवाल आया है, आज 9वां अध्याय अभी बताएंगे। आज 9वां अध्याय गरुड़ पुराण का हम सब सुनेंगे। इसमें जो है, जो मरणासन्न व्यक्ति है, जो जो अब जिनका प्राण निकलने वाला है, जो शरीर छोड़ने वाले हैं, तो उनके परिवार के लोगों को क्या क्या करना चाहिए, ऐसा जो है हमारे गरुड़ जी जो है सवाल करते हैं भगवान से। तो गरुड़ जी पूछते हैं, कथितं भवता सम्यक् दान दानम आतुर कालिकं प्रियमाणस्य यति कृत्यं तदिदानीं वद प्रभो। गरुड़ जी बोले कि हे प्रभो, आपने आतुर कालिक दान के संदर्भ में बहुत अच्छी बात बताई। आपने बताया कि जब शरीर, जब ये लगे कि अब शरीर छूट रहा है, उसके बारे में क्या क्या दान देना चाहिए, उस समय आपने बताया। अब हमारा प्रश्न ये है कि आप बताइए, जो मरणासन्न व्यक्ति है, जो एकदम मरण अवस्था पहुंच चुका है, बस प्राण निकलने वाले हैं, उस व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। तो भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी सुनिए, मरते समय जो विधान है, क्या करना चाहिए जिससे सदगति की प्राप्ति हो, शरीर त्याग करने की विधि सुनिए। अभी हम लोग जीने की विधि सुनते हैं ना, कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे जीवन में, लेकिन भगवान विष्णु बताते हैं मरना कैसे चाहिए, किस तरह हमें शरीर छोड़ना चाहिए। जीना तो हम सीख लेते हैं, और मरने के शब्द से हम डरने लगते हैं, बहुत डरते हैं,
मृत्यु का नाम सुनते ही सब कांपने लगते हैं, और जबकि सभी जानते हैं कि यह बहुत सत्य है। महाभारत की कथा है कि महाराज युधिष्ठिर से यक्ष का यक्ष प्रश्न करता है कि सबसे आश्चर्य क्या है, तो महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि आदमी रोज देखता है कि लोग मर रहे हैं, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता कि मैं मरूंगा, उसको विश्वास रहता है कि नहीं मैं तो जिंदा हूं। और हम आप क्या करते हैं, क्रेमासी कराने करने जाते हैं, किसी की क्रेमासी में जाते हैं, वहाँ उसका उसको जलाते भी हैं उसके शरीर को, और जैसे बाहर निकलते फिर भूल जाते, लगता मैं नहीं मरूंगा। तो मरना सीखना जरूरी है। एक चीज याद रखा जाए कि हम भी शरीर छोड़ेंगे, और ऐसे शरीर छोड़ेंगे कि हमारी सदगति मिले, हमें सदगति मिले। तो भगवान कहते हैं अब शरीर त्यागने की विधि को सुनिए। कहा जब ये हो जाए कि अब शरीर छूटने वाली है, तो जमीन पर क्या करने चाहिए, जमीन पर गोबर से लीपना चाहिए। अब तो कहेंगे पंडित जी हम तो हॉलैंड में रहते, यहां कहां से गोबर लाएंगे और कहां लीपेंगे, ठीक है, नहीं हो सकता ना। तो गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है, लेकिन मेरा एक विचार, अगर आप गोबर से नहीं लीप सकते, गंगा जल तो मिलेगा घर में, और मैं समझता हूं हॉलैंड में सुरीनाम में सभी हिंदुओं के घर में गंगा जल है, कम से कम गंगा जल छिड़क दीजिए। गंगा जल छिड़क करके वहां पर कुसा बिछाइए, और कुसा बिछा करके जिसकी शरीर जो शरीर छोड़ने वाले हैं उनको उस कुसे पर आप लेटा दीजिए। लेकिन अब कहेंगे हॉलैंड में भी बहुत मुश्किल, हॉस्पिटल में सब मरते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर कभी नहीं कहेगा कि आप निकाल करके। तो अब क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बिस्तर पर ही गंगा जल छिड़के। लेकिन एक चीज याद रखिए, गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, जो बिस्तर पर शरीर छोड़ता है, जब कोई शरीर छोड़ता है, तमाम तरह के भूत प्रेत आके घेरते हैं। इसलिए शरीर अगर किसी कोई छोड़ने वाला तो उसे नीचे रखना है। और हॉलैंड में हम लोग सुरीनाम में जो सोचते हैं नहीं बिस्तर में ही मरने दो, सारा अपराध डॉक्टर निकाल देता है, तो निकालने से जब निकाल दे तो तुरंत कहिए डॉक्टर से, सारी व्यवस्था हो सकती है कि हॉस्पिटल में नीचे ही हम कुश बिछाएं, उस पर कुछ मद्रास रखें, और उस पर जो है फिर शरीर छोड़ने वाले के व्यक्ति को लिटा सकते हैं। अगर हम हॉस्पिटल में समझाएंगे तो हॉस्पिटल इस बात को मानेगा, क्योंकि हॉस्पिटल का एक नियम है इस देश में कि जो शरीर छोड़ रहा है वह जिस धर्म का है अपने धर्म के अनुसार अपना रिचुअल कर सके वहां। तो बात करना चाहिए हॉस्पिटल में पूरी तरह। अब आप सुन रहे हैं जितने लोग, सबसे प्रार्थना है कि आप हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करिए। कहा कुश और काला तिल, ये दोनों, और कहा भगवान ने कि शालिग्राम की मूर्ति, शालिग्राम जी को रखिए। शालिग्राम जी, जहां शालिग्राम जी रहते हैं न तो वहां पाप रहता है न तो दोष रहता है, इसलिए जब कोई शरीर छोड़ने वाला हो तो उसके पास शालिग्राम भगवान जी को स्थापित करिए। और जिस जब शालिग्राम भगवान को रखेंगे, अब तो बड़ी मुश्किल है, पहले सुरीनाम में भी मैं सुनता था शालिग्राम भगवान रहते थे घरों में, सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, अब तो हम ऐसे ऐसे पाखंड में फंस गए हैं कि बस आंख बंदे रहो, बंद किए रहो, योग करो, ध्यान करो, मुक्ति मिल जाएगी। बिना भगवान की सेवा किए और बिना भगवान जी के चरणामृत का पान किए किसी को मुक्ति मिलने वाली नहीं है, चाहे 10 घंटा मेडिटेशन करिए, चाहे 50 घंटा करिए, भगवान का चरणामृत लेना ही लेना है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याद विनाशनम विश्रुम पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न जीते, फिर से जन्म नहीं। मुक्ति का बस एक मार्ग है भगवान का चरणामृत पीना। और जितने सनातनी है मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो कभी भी इस पाखंड में न फंसे। लोग क्या कहते हैं, आ जाते हैं, कह देते हैं भैया ये तो उनके भगवान का पैर धोवा है, इसे मैं नहीं पीऊंगा। नहीं पीना है, क्यों, कि अकाल मृत्यु को हरण करेगी और जो कलयुग के जो रोग हैं उसको समाप्त करेगी, और फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, हमें सदगति प्राप्त होगी।
इसलिए सब लोग कोशिश करिए कि घर में शालिग्राम भगवान की मूर्ति हो और रोज उनको स्नान करके थोड़ा थोड़ा सा उनका पैर धो करके चरणामृत का पान करिए। शालिग्राम शिला यत्र पाप दोषा भयापहा, जहां शालिग्राम भगवान की शिला होती है, शालिग्राम शिला होती है, न तो वहां पाप रहता है, न तो दोष रहता है, न तो भय रहता है। क्यों? तीनों को दूर कर देती है। और दूसरा और एक सनातनियों के घर में होना चाहिए, क्या? तुलसी। तुलसी माता की स्थापना सब घर में हो रहना चाहिए। तुलसी बिटप छाया यत्रास्ति भवतापहा, तत्रैव मरणान् मुक्ति सर्वदा दान दुर्लभा। कहा इस संसार में जगत का में जो ताप हरने वाली तुलसी है, तुलसी के वृक्ष की छाया है, वहां मरने से सदैव मुक्ति मिलती है, कोई शंका ही नहीं। तो बहुत से लोग कहते भाई मैं तो देखता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी रोटरडम हाल रोटरडम देनहाग जाता हूं तो दूर से जान जाता हूं ये हिंदुस्तानी का घर है, कि उसकी खिड़की के सामने एक तुलसी का पेड़ दिखाई पड़ता है, दूबा घास दिखाई पड़ती है। तो सब लोग अपने घरों में अवश्य तुलसी का पेड़ रखिए, और जब कोई शरीर छोड़ने लगे तो कम से कम उसके पास एक तुलसी का पेड़ ले जाके, वृक्ष एक प्लांट ले जाके रख दीजिए। आप हॉस्पिटल में भी ले जा सकते हैं तुलसी, जब ये पता चले परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है, जब कोई शरीर छोड़ने लगे तो तुलसी का पेड़ ले जा करके पास में रख दीजिए। अगर उसकी छाया में कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ेगा तो हम उसकी छाया में जो शरीर छोड़ता सदैव मुक्ति होती है। तो इसलिए तुलसी का वृक्ष सदैव घर में रखे और उनकी सेवा करें। और क्या महत्व है तुलसी तुलसी जी का? जिस घर में तुलसी रहती है उस घर में तीर्थ रहता है, तीर्थ बन जाता है वह घर। इसलिए सभी घर में तुलसी होना चाहिए, और जिस घर में तुलसी रहती है उस घर में यमराज आते नहीं। तीर्थ तद गृहम तीर्थ रूपम ही नयान्ति यम किंकरा, जहां तुलसी रहती है वह घर तीर्थ होता है, और उस जगह यमराज के जो दूत हैं वो नहीं आते। कौन आते हैं हमारी आत्मा को लेने? तो भगवान विष्णु के दूत आते हैं। इसलिए घर में तुलसी होना जरूरी है। और जिसने और भगवान कहते हैं तुलसी मंजरी युक्तो यस्तु प्राणान विमुच्यति यमस्तम नेच्छुत सक्तो युक्तम पाप शतैरपि। कहा जो तुलसी मंजरी से युक्त होकर के अपने प्राणों को त्याग देता है उसके सैकड़ों पाप भी हो तब भी यमराज आकर के उसके पास नहीं आ सकते, दूर से ही चले जाते हैं। इसलिए तुलसी हो, तुलसी मंजरी हो, शालिग्राम हो, काला तिल हो, कुसा हो, जरूर रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। और आपने कथाओं पहले कथा में सुना कि जो जिसके पास पुत्र नहीं है तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। अब भगवान विष्णु कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं नहीं है। क्या कहते भगवान? तस्याम दले तस्याम दलम मुखे कृत्वा तिलदर्भासने मृत नरो विष्णुपुरम याति पुत्रहीनो असंशय। कहा जिसके पुत्र न हो वो भी अगर काला तिल तुलसी और कुसा के घास पर शरीर छोड़े तो निःसंदेह विष्णुपुरी को जाता है। इसलिए जितने सनातनी हैं मेरी सबसे प्रार्थना है घर में कुसा हो, तुलसी हो, काला तिल हो, सदैव रखिए, सदैव रखिए। भगवान कहते तिल तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? काले, सफेद और भूरे। ये तिल जो है प्राणी को दुर्गति से बचा सकते हैं। और तिल कैसे पैदा हुआ? तिल पैदा हुआ भगवान के पसीने से। असुर, दानव और दैत्य जब तिल को देखते हैं तो भाग जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ सनातन धर्म में क्या नियम है, जब भी तर्पण करिए तो तिल तिल अवश्य, तिल, जल और कुसा घास, इतना तो बहुत जरूरी है तर्पण के लिए।
और भी कहते जो दर्भ है मेरी विभूति है, कुसा मेरी विभूति है, इसके छूने से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अच्छा, कुसा घास की इतना महत्वपूर्ण है? मेरे पास तो कोई कुसा घास नहीं, मैं लिखा था क्यों महत्वपूर्ण लाइए। हम लोग कुस घास को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं अपने सनातन धर्म में? क्यों? क्योंकि कुस के मूल में ब्रह्मा जी रहते हैं, हाँ, और कुश के मध्य में जनार्दन भगवान विष्णु रहते हैं, और कुश के ऊपर में शंकर भगवान रहते हैं। अगर कुश हमने छू लिया तो इसका मतलब हम तीनों देवताओं का स्पर्श कर चुके, छू चुके। देखिए ये कुसा घास है ना, देखिए इसका जो जड़ होता है, इसमें जड़ नहीं है, इसका जो जड़ है, इसका जो मूल है, उसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। ये जो ये भी असली कुश तो नहीं है लेकिन सूरीनाम से आया हुआ है, इसे कास कहते हैं हम लोग भारत में। यहाँ कुश मिलना मुश्किल होता है तो कास से ही काम चलाना पड़ता है, कभी कभी कुश मिलता है। कुश ये जो है बहुत बहुत तेज होता है, बहुत बहुत स्खेरप होता है, इसको जब छुएंगे तो धस जाता है। तो इसका जो नीचे का होता है इसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, अगर असली वाला हो तो दिखा देते हैं, और जो बीच में है इसमें विष्णु भगवान रहते हैं, इसका जो ऊपर का है इसमें शंकर भगवान रहते हैं। तो इसको जब हम छूते हैं तो तीनों ब्रह्मा विष्णु भगवान और शंकर भगवान का स्पर्श हो जाता है और फिर मुक्ति मिलती है, इससे मुक्ति मिलती है। तो इसलिए यह बहुत ही पवित्र होता है। इसको भी आप अपने घरों में आप देखते हैं, पंडित जी पूजन में रखते हैं, लेकिन कुश के बहुत सारे नियम हैं। देखिए ये कुश, चलिए सब एक ही फैमिली में है, ठीक। तो कुश, काला तिल और तुलसी, और कौन कहा? कुश, अग्नि मंत्र, तुलसी और ब्राह्मण और गौ, ये बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं, ये कभी अशुद्ध नहीं होते। कौन कौन? कुश, अग्नि मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, ये बार बार उपयोग में लाए जाते हैं, यह कभी अशुद्ध नहीं माने गए, कभी भी अशुद्ध। और कुश भी अगर कहीं से काट के लाइए तो शुद्ध जगह, कोई गंदी जगह ना हो, तो साफ जगह से तुलस कुश का ग्रहण करिए। हाँ, वो जो छोटा वाला है असली कुश है, हम आपको दिखाते हैं कुछ, हाँ। देखिए हम आपको फर्क बताते हैं, नहीं एक कास है, इसे कास कहते हैं, कुश की फैमिली है, एक कुश नहीं है, हाँ। और देखिए कुश ए, इसको जब छुएंगे तो हाथ काट देगा, इतना तेज होता है। तो कुश आप देख रहे हैं, हाँ, ठीक। तो इसलिए कुश का इतना बड़ा महत्व है हमारे धर्म में। तो जो मरणासन्न व्यक्ति है उसके लिए भूमि पर संस्कार करके, गोबर से लीप के, गंगा जल छिड़क करके कुसा, और एक ख्याल रखिए आप, ये जो वीडियो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, इसको बचा के रखिए, बड़ा काम देगा आपको। नहीं मैं कथा सुना दूंगा, आप लोग भूल जाएंगे, तो हो सके तो इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रखिए और परिवार में लोगों तक बताइए कि जब कोई शरीर होता क्या है हमारे सूरीनाम हालैंड में, जो मैं देखता हूँ कि लोग बड़ा घबरा जाते हैं, बड़ा रुलाई और पिटाई और फिर कूदना फिर शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं कर, मैं समझता हूँ दुख, लेकिन कोशिश ये रहे कि जो शास्त्र में नियम है, अगर आप अपने परिवार जो व्यक्ति शरीर छोड़ा उसकी भलाई चाहते हैं, तो आप ये वीडियो रखिए और हर समय सोचिए कि क्या करना है। तुलसी का पेड़ ले जाना है, काला तिल रखना है, कुसा घास रखनी है, तुलसी का बिरवा ले जाना है, गंगा जल ले जाना है, भगवान विष्णु शालिग्राम जी की मूर्ति ले जानी है, तो ये सब जो है आप लेके जाएं, जिससे जो है जो शरीर छोड़ने वाला है उसे मुक्ति मिले, उसे मुक्ति मिले।
या पूरा पूरा प्रयास करें। और क्या करना चाहिए? अच्छा, जमीन पर जो शरीर छोड़ा है उससे तो आप लिटा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? भगवान विष्णु मतलब शालिग्राम की शिला, शालिग्राम भगवान को जो स्नान कराएंगे, उनका जो जल है उनके मुंह में डालिए। और कब डालिए मुंह में? शरीर छोड़ने से पहले। शरीर छोड़ने के बाद तो सभी आते हैं चम्मच पिलाने के लिए, बेचारा कुछ पी नहीं पाता। कम से कम शरीर छोड़ने से पहले एक चम्मच जो है गंगा जल पिलाइए। और क्या लिखा है? शालिग्राम शिला तोयम् यह पिवेत बिंदु मात्रकम् स सर्व पाप विनिर्मुक्तो वैकुंठ भुवनम् व्रजेत। का शालिग्राम शिला के धोए हुए जल को एक बूंद, एक बिंदु भी अगर कोई पीता है तो वह वैकुंठ लोक को जाता है। तो इसलिए पूरा ख्याल रखिए अगर कोई शरीर छोड़ रहा है तो। और कहा गंगा जल देना चाहिए, गंगा जल देना चाहिए। अगर गंगा जल हो तो, इसलिए घर में गंगा जल भी हर समय सबके रहता है और सब किसी को रखना चाहिए। कहा गंगा जल, गंगा जी का जल सभी योनियों में, जो 84 लाख योनियां हैं, अख्त कोमा फिर मिलियन कीर हम लोग जन्म लेते हैं, उसके बाद फिर मनुष्य का जन्म मिलता है। कहा ये जितनी योनियां कोई भी शरीर छोड़ता हो, अगर उसके मुंह में एक बूंद गंगा जल पड़ा तो भी मुक्ति मिल जाएगी। दूसरे नदियों में हम जाएंगे, स्नान करेंगे, नहाएंगे तो शरीर ही शुद्ध होगी। लेकिन गंगा जी कैसी हैं? अगर हम स्नान करते समय, नहाते समय गंगा 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 ऐसा करके नहा ले तो मुक्ति मिल जाएगी, वही पुण्य मिलेगा। गंगा जी के देखने से, गंगा जी का नाम लेने से, गंगा जी को छूने से ही हम शुद्ध हो जाते हैं। और गंगा गंगा इस नाम का कीर्तन करने से तो सैकड़ों हजारों जो पुण्य रहित लोग हैं सबको गंगा माँ पवित्र कर दे। इसलिए जो संसार सागर से पार जाना चाहते हैं उन्हें गंगा जल पीना चाहिए। गंगा तस्मात् पिवेतस्य जलम संसार तारकम्। गंगा जी का जल संसार सागर से तार देता है, इसलिए गंगा जल भी उस व्यक्ति के मुंह में छोड़ना चाहिए। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् प्राणै कंठगतैरपि मृतो विष्णुपुरं याति न पुनर्जायते भुवि। जो व्यक्ति जब प्राण निकलने लगे, अगर कोई व्यक्ति गंगा गंगा ऐसा कह दे तो उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है, फिर से धरती पर वह जन्म नहीं लेता। इसलिए अब बड़ी मुश्किल है प्राण निकलते समय, जैसा गरुड़ पुराण में हम आप पढ़े हैं देखे, इतनी पीड़ा होती है कि हजार बिच्छू काटे इतनी पीड़ा होती है शरीर में, उस समय कहाँ गंगा गंगा निकले। तो कम से कम जो परिवार के लोग हैं वो पास में बैठे हैं, कम से कम वो कीर्तन करिए भी आप। तो कीर्तन करना, भगवान के नाम जप करना, ओम नमो भगवते वासुदेव इस नाम का जाप करना, कुसा काला तिल गंगा जल तुलसी शालिग्राम ये सब की व्यवस्था रहे और जिससे वह जीव मुक्त हो जाए। और कहते हैं भगवान कि भागवत जी का, श्रीमद् भागवत महापुराण का आधा एक श्लोक एक मंत्र अगर कोई याद कर ले उस समय कह दे, उसे मुक्ति मिल जाएगी, उसे मुक्ति। अगर वह नहीं कह सकता तो परिवार के लोगों की जिम्मेदारी। हम कहते हैं बंधु और बांधव, बंधु और बांधव कौन है? जो हमें बंधन से मुक्ति दिलाए वही बंधु और बांधव है। और संसार कैसा है, परिवार के लोग तो बंधन में डालने वाले हैं। तो इसलिए अगर हम किसी को बंधु और बांधव, भाई और बहन और परिवार मानते हैं, तो अगर वह शरीर छोड़ने लगे तो कम से कम भागवत जी का, न कुछ हो तो भागवत जी का एक मंत्र सुना दीजिए उस जीव को। शिव जी की प्रार्थना सुना दीजिए, विष्णु भगवान की प्रार्थना सुना दीजिए तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। और उपाय क्या है?
शरीर छूटती हो बस इतना कह दे कि मैं सन्यास ले रहा हूं, इतने समय हो सकती है। शरीर जब किसी की छूट रही हो तो इतना कह दे कि मैंने सन्यास ले लिया, बस मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शरीर छोड़ते समय फिर जो हम जीवन भर किए हैं वही याद आता है ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। गरुण जी ने कहा पहली कथा में पहले ही कि जीव भी अपने बस में है और भगवान का नाम लेना भी सहज है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, तब भी यह मनुष्य भगवान का नाम लेता नहीं। तो सोचिए मरते समय कैसे याद आएगा भगवान का नाम। तो एक उपाय है, अभ्यास करिए, रोज भगवान का नाम लीजिए, रोज भगवान का नाम लीजिए। तो ऐसा करना चाहिए। त्रिधावस्था शरीरस्य, क्या तीन अवस्था है शरीर की, क्या क्या अवस्था है शरीर को जो लोग जमीन में दफना देते हैं क्या हालत होती है आप सोचिए। लोग कहते हैं एक दिन कयामत आएगी उठ के खड़े हो जाएंगे, कयामत आते आते उसके पैर ही नहीं रहेगा, खड़ा कैसे होगा वो, जरा सोचने वाली बात है। होता क्या है, कीड़े खा जाते हैं सब, जमीन के नीचे जो दफनाए जाते हैं वो कीड़े खा जाते हैं, खत्म, शरीर खत्म, सड़ गए, कीड़े खा गए, उस शरीर में ही कीड़े पैदा हो जाते हैं जमीन के नीचे। और शरीर को कुछ लोग फेंक देते हैं, पहाड़ पर ले जाके रख देते हैं। अच्छा, शरीर में से अगर जीव निकल जाए हमारी आपकी शरीर से, तो एक दो घंटा के बाद फिर सड़ने लगती है, महत पैदा हो जाती है। तो भगवान कहते हैं या कि इस शरीर को या तो कीड़ा खा जाएंगे, या तो विष्ठा की तरह इसमें महक आने लगेगी, या तो परिवार के लोग ले जाके चिता पर रख देंगे और राख बन जाएगी। तीन अवस्था है, या तो कीड़ा खाए, या तो विष्ठा की तरह गंध पैदा हो जाए सड़ जाए, और या तो परिवार के लोग ले जाके चिता पर रख दें और यह भस्म रूप हो जाए। त्रिधावस्था शरीरस्य कृमिबिंग भस्म रूपत किम गर्व क्रियते देहे क्षण विध्वंसी भी न रही। कहा या तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे या विष्ठा की तरह दुर्गंध पैदा हो जाएगी या भस्म बन जाएगी, इसलिए क्षण मात्र के शरीर के लिए इतना घमंड क्यों किया जाए, क्यों कम क्यों किया जाए, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। और होता क्या है, जो ये पांच तत्व है, फाइव एलिमेंट है, ये सब आपस में मिल जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। इसलिए एक जीव ही है जो शिव स्वरूप है, सर्वव्यापी है, नित्य मुक्त है, अर्जर और अमर है। सर्वेन्द्रिय इतो जीव शब्दादि विषयर्वितः कामरागादिभिर्युक्तः कर्म कोशा समन्वितः। कहा सभी इंद्रियों से युक्त, शब्द आदि विषयों से युक्त, मृत देह के देह से निकला जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और राग आदि से रहित, पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ लोग दूसरे घर में चले जाते हैं। यह जीव कैसे निकल जाता है, जैसे हम अब फरहाउस हो जाते हैं, इस घर से उस घर में फरहाउस हो गए, बस खत्म, वैसे ही जीव इस शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चला जाता है। इसलिए परिवार के लोगों को क्या करना चाहिए, जब कोई शरीर छोड़े तो उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब गरुण जी पूछते हैं भगवान से कि भगवान आप बताइए, अगर कोई शरीर छोड़ दिया, शरीर छूट गई तो क्या क्या क्रिया होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा बड़ा मतलब बड़ा आराम वाला सब पा गए हैं, एक ही बार में सब कुछ कर दो, खत्म, न छमासी करनी पड़े, न बरसी करनी पड़े, न कभी पिंडदान करना पड़े, बस खत्म,
और अजीब लगता है कि हमारे पंडित जी भी लोग उस बात को बिना समझाए तैयार हो जाते हैं, कहते चलो बस 5 पिंड दान कर देंगे, दाह संस्कार कर देते हैं, क्रेमासी कर देते हैं, बात खत्म। परिवार के लोगों की यह जिम्मेदारी है कि हमें पिंडदान करना चाहिए अपने माता पिता का। क्यों करना चाहिए? कि हम कर्जदार हैं उनके। कहे कैसे कर्जदार हैं? अब हम आप बैंक से अगर 10 रुपया लेते हैं तो 10 रुपया वसूलने के लिए बैंक क्या करता है? 10,000 खर्चा करेगा लेकिन 10 रुपया लेगा, बिना लिए वो छोड़ने वाला नहीं है। केस करेगा, मुकदमा करेगा, 10 लाख लेगा, सब कुछ करेगा। और माता पिता पूरा जीवन कमाते हैं और सारी संपत्ति हमको आपको दे के चले जाते हैं, कभी मांगने भी नहीं आते। तो हमारी आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि जब पितृ पक्ष आए तो उनके लिए कुछ करे, उनके लिए तर्पण करे, उनके लिए पिंडदान करे। कैसे करेंगे? उन्हीं की कमाई से करेंगे। और ये माने रहिए, अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो उनके धन का क्या करेंगे? गलत खर्च करेंगे। और गलत खर्च करने में क्या होगा? उनकी मेहनत की कमाई पाप में चली जाएगी, वो भी कहीं स्वर्ग में होंगे तो नरक में गिर जाएंगे और हम अपने कर्म से नरक में चले जाएंगे। तो इसलिए माता पिता का दिया हुआ धन उनकी शांति के लिए, उनके सुख के लिए, उसमें से दान करना चाहिए। और दान है कि जल्दी जल्दी जान मत छुड़ाइए कि नहीं पंडित जी आप एक ही बार में सब कुछ कर दो। जो शास्त्र नियम बनाते हैं और छमासी का है, वर्षी का है, मासिक श्राद्ध का है, वो सारा कुछ। और पंडित जी लोगों से भी प्रार्थना है कि पूरी तरह जनता को जानकारी दें, जनता को बहकाए नहीं, हाँ हाँ हो सकता है, थोड़े से दक्षिणा की लालच में, और विधिवत पंडित जी लोग कराए। जी सविता, क्या सवाल था? सवाल है किसी का? क्यों 6 महीना 6 महीना तक? हाँ, क्यों छमासी करते हैं, क्यों वर्षी करते हैं, यही है ना? vraag je waarom mag je een half jaar geen puja doen door pandit, waarom wanneer een naaste is overleden? क्यों 6 महीना पूजा नहीं करना चाहिए? लोग प्रश्न है कि क्यों 6 महीने तक घर में पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, उत्सव नहीं मनाना चाहिए, कोई मांगलिक कार्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आपके परिवार का कोई मरेगा तो क्या आप नाचने जाएंगे, दुख मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? लेकिन पूजा वाली बात तो कर देते हैं लोग, पूजा बंद कर देते हैं लेकिन और सब कुछ चलता है। जन्मदिन मनाना, नाचने जाना, दारू पीना सब करते हैं ना, ये भी नियम है। 6 बरस पूरे बरस तक शुद्ध रहिए। शुद्ध तो पूरे जीवन रहना चाहिए लेकिन पूरे बरस तक, जब तक बरसी न हो, एक तपस्वी की तरह जीवन बिताना चाहिए परिवार के लोगों को। और मांगलिक कार्य, मांगलिक कार्य बस इसलिए दिखाई पड़ना चाहिए कि दुखी है आप। अब तो हालत क्या है, अब तो इंतजार करते रहते हैं बच्चे या परिवार के लोग कि किस दिन 10 गात्र हो, फिर 11वें दिन फिर शुरू कर देते हैं खाना पीना सब कुछ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप पूरी शुद्धता के साथ पूजा पर, तो हम मान लेते हैं कि पूजा नहीं करना चाहिए, विवाह नहीं होना चाहिए, उत्सव नहीं होना चाहिए घर में, लेकिन ये सब तो छोड़ देते हैं, लेकिन और सब तो कुछ करते हैं। कोई भी ऐसा कृत्य जिसमें लगे कि उत्सव है, नहीं करना चाहिए, बस ये लगना चाहिए। कि दूसरा के आप बता चुके हैं क्यों खुश कुशाघास और दिल। हाँ तो हो गया, दोनों सवाल हो गए। दोनों सवाल नहीं, हाँ दोनों सवाल। यह जो बरस भर कहा जाता है कि पंडित जी को बुला के घर में कथा नहीं करते हैं लोग, या लेकिन ऐसा नहीं है,
आप मंदिरों में जाके पूजा सुनिए, कथा सुनिए, और सबसे बड़ी बात है कीर्तन करिए, पूजा करिए, तो अपने माता पिता के मुक्ति के लिए करिए, प्रार्थना करिए, ऐसा एकदम से मना भी नहीं है। और कभी कभी हम लोग एकदम से उस बात को लेके बहाना बना लेते हैं, हाँ हमारे यहाँ तो मरनी है, बरस भर पूजा नहीं करेंगे, पंडित जी नहीं आएंगे, वो एक ज़्यादातर बहाना लगता है इस बहाने। और नहीं, आप खूब जाइए मंदिर, खूब पूजा करिए, खूब प्रसाद चढ़ाइए। और शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं अगर कोई शरीर छोड़े, हमारे यहाँ क्या अब परंपरा बनती जा रही है हॉलैंड में और हमारे भारत में भी दिखाई पड़ता है, कोई मर गया तो मौन रहिए 2 मिनट, यही करते हैं ना, चुपचाप खड़े रहे, ये हमारी सनातन परंपरा नहीं है। हमारी सनातन परंपरा है कोई शरीर छोड़े तो 2 मिनट उसके लिए कीर्तन करिए, भगवान का नाम लीजिए, मौन क्या है, ये हमारी सनातन परंपरा है। कोई भी शरीर छोड़ा हो, मैं स्कूलों में देखता हूँ, कॉलेजों में देखता, हाँ वो एक विद्यार्थी गुजर गया, चलो 2 मिनट मौन रहिए, नहीं, 2 मिनट कीर्तन करेंगे उस दिन, आधे घंटे उस आत्मा के लिए कीर्तन करें, ये हमारी सनातन परंपरा है। इस परंपरा को निभाने से उसके जीवन में शांति आएगी और मुक्ति आएगी। इसलिए ये जो नियम सारे बताए गए हैं, गंगा जी का, तुलसी जी का, अब कहेंगे हमारे घर में तुलसी नहीं है, तो तुलसी आप आ करके दक्षेश्वर धाम ले जा सकते हैं। हर साल हम लोग व्यवस्था करते हैं किसी का घर न छूटे, जिसके घर, किसी का घर ऐसा न हो जिसके घर तुलसी न हो। और यहाँ से मंदिर की तरफ से तुलसी बांटी जाती है गर्म मौसम में, तो अभी तक तुलसी है, अभी तक आप ले जा सकते हैं और घर में तुलसी रखिए। गंगा जल सब घरों में रखते हैं, सब कोई रखिए, काला तिल रखिए, पूसा घास रखिए। आप सूरीनाम से बहुत सारा कुछ लाते हैं ना, कुछ खाने के लिए, तभी सब्जी और तरकारी भाजी, कुसा घास भी ला सकते हैं। और कोशिश करिए एक काश ना आए, सूरीनाम में अच्छी कुसा घास मिलती है, उसे लेके आइए। लेकिन कुसा घास का भी एक नियम है, कुसोत्पटनी अमावस्या आती है उस दिन कुसा घास निकाल के रखते हैं, कुसोत्पटनी अमावस्या, उसका एक फायदा भी है। सूरीनाम में बहुत सांप निकलते हैं ना, शास्त्र में ऐसा लिखा है उस दिन कुसा घास निकाल के अगर आप अपने घर के सामने टांग देंगे तो घर के अंदर सांप नहीं आएंगे। और उस दिन जो कुसा घास निकाली जाती है वही पवित्र और शुद्ध मानी जाती है, उसके बाद से में जो कुसा घास निकाली जाती है वो केवल उस दिन तक आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद उस कुसा घास को आप नहीं खबर कर सकते पूजा में। तो जो कुसा घास आती है पूरा ख्याल रखें जो हमारे शास्त्र में नियम है। और जो पंडित जी लोग कथा सुनते हैं उन सबसे भी प्रार्थना है कि जनता को बताएं कि कुसोत्पटनी अमावस्या कब होती है, उस दिन कुसा घास निकाल के बरस भर के लिए रख लें। और उसका जो है, और कुछ है नहीं, अब कोई सवाल नहीं। तो भगवान कहते हैं, गरुड़ जी पूछते हैं कि हे विभो, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बताइए, और पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। अच्छा, एक सवाल तो ठीक है, लेकिन दूसरा सवाल कि पत्नी सती हो, सती तो जो कहते हैं सती, भगवान 12वें अध्याय के 72वें श्लोक में कहते हैं सती कौन है। भगवान विष्णु का इसी गरुड़ पुराण में कहते हैं कि सती वो ही है। भगवान विष्णु कहते हैं मैं सती उसको मानता हूं जो अपने पति के मरने के बाद उसका सारा क्रिया करे या करवाए, उसको मैं सती मानता हूं। और सती के मामले पर सबका अपना विचार है, मेरा एक विचार है कि सती के मामले में हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया गया पूरे दुनिया में, कि हिंदू लोग, यहाँ भी लोग मिलते हैं कि हिंदू लोग पहले अपनी, जब पति मर जाता था तो परिवार के लोग उसकी पत्नी उठा के आगे में डाल देते थे और वो भी मर जाती थी। मेरा सवाल यह है कि त्रेता युग में भगवान राम हुए, उनकी 3 माताएं थी,
तीन माताओं में से कोई सती नहीं हुई। द्वापर युग में पांडव थे, उनकी दो माताएं थी, कुंती और माद्री। माद्री सती होती है, कुंती नहीं होती है। कुंती माद्री जो सती होती, माद्री के गलती से राजा पांडु मरते हैं। किसी की गलती से अगर कोई आत्महत्या कर ले तो उसमें सनातन धर्म का कौन सा दोष है? तो द्वापर के बाद आता है कलयुग। अब कलयुग की हम बात बताते हैं। मेरी आजी 102 वर्ष की होके मरी, विधवा थी, उसको किसी ने नहीं जलाया। और मेरी आजी बताती थी उसकी सास भी विधवा थी, उसको किसी ने नहीं जलाया। तो मैं नहीं जानता, शास्त्र में होगा, लिखा होगा, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन भारत में यह जलाने की परंपरा इतना नहीं था जितना प्रचार किया गया हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए। यह प्रचार क्यों किया गया? ये 1600 के आसपास शुरू हुआ, 1600 के आसपास, क्योंकि यूरोप में एक परंपरा थी, शायद बहुत कम लोग जानते हैं, हॉलैंड में भी जगह जगह आपको मिल जाएंगे, उसे कहते हैं हेक्स म्यूजियम। आप लोग आप देखे हेक्स म्यूजियम? हेक्स म्यूजियम क्या होता है? एक बड़ा सा तराजू रहता है उसमें, और यहाँ औरतें जो चर्च के जो प्रिस्ट होते थे, अगर उनकी बात नहीं मानती थी तो चर्च का प्रिस्टर उसको हेक्स घोषित कर देता था। जब हेक्स घोषित करता था तो उसको ले जाते थे पकड़ के, उसका बाल बीच सड़क में बैठा देते थे, और फिर गांव के लोग जुट करके उसको डंडे से पीटते थे, और पीटते थे, इतना पीटते थे कि वो सड़क पर वही मर जाती थी, और मर जाती थी फिर उस सड़क पर ही उसको जला देते थे। उसे नीदरलैंड्स में कहते हैं हेक्सयाख्त, बीच हंटर। और ये पूरे यूरोप में होता था। और कैसे किसी को हेक्स घोषित करते थे वो लोग? एक तराजू लेके चलते थे, जब वो मान लीजिए नहीं मानी तो वो तराजू लेके जाते थे, कहते थे ये न्याय करेगा तराजू कि कौन हेक्स है कौन नहीं। जो औरत या लड़की पृष्ठ का बात नहीं मानती थी तो उसको तराजू पर रख देते थे, फिर तौलते थे, कहते थे देखो तराजू ने न्याय किया, अब ये हेक्स है, हेक्स मतलब चुड़ैल, फिर उसको मार देते थे। और कितने लोगों को मारा गया? 1600 और 1600 होंदे के बीच में 100 वर्ष के अंदर 16,000 औरतों को सड़क पर जला करके यूरोप में मार दिया गया, और चर्च की बात मान करके मार दिया गया। ये बातें भारत जाने लगी। जब भारत जाने लगे तो भारत को बदनाम करने के लिए ये सती प्रथा का प्रचार, और सती प्रथा का के विरोध में बोलने वाले कौन कौन से थे आप जानते होंगे? सर राजा राम मोहन राय, हम लोग यही पढ़ते हैं ना, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, सर मजूमदार, ये जिनके नाम के आगे सर लगा है ना, ये अंग्रेजों के घुसखोर हुआ करते थे। अंग्रेज लोग इनको पैसे देते थे, इनके सर की उपाधि देते थे, उससे इनको पेंशन मिलता था, और इनका एक काम था समाज सुधार के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम करो। तो सर राजा राम मोहन राय के बारे में कोई नहीं जानता, वो क्रिश्चियन थे, और इंग्लैंड में उनकी समाधि है, यहीं मरे हैं वो, और क्रिश्चियन हिसाब से उनको दफनाया गया इंग्लैंड में। उन्होंने ये बात शुरू किया सर राजा राम मोहन राय ने, और ये थोड़ा संस्कृत पढ़े थे और अंदर अंदर क्रिश्चियन हो गए थे, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए सर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा होती है सती प्रथा ये आके बड़ा बड़ा भाषण देते थे यहाँ यूरोप में, और यहीं आके मरे इंग्लैंड में। अभी उनकी समाधि बनी हुई है इंग्लैंड के किसी कब्रिस्तान में, क्योंकि अंदर से क्रिश्चियन थे, वो जलाए नहीं गए। दूसरे थे सर मजूमदार, उनको भी अंग्रेज लोग खरीदे हुए थे, उनको पेंशन मिलती थी, और वो जो है सनातन धर्म को बदनाम करते थे, और लोग बकेर हो, लोग धर्म परि लोग पंथ परिवर्तन करके क्रिश्चियन बने, इसलिए इन दोनों लोगों ने काम किया सर मजूमदार। और सर मजूमदार वह व्यक्ति हैं जिन्होंने विवेकानंद जी के खिलाफ अमेरिका में चिट्ठियां भेजते थे कि ये भगोड़ा है, ये सन्यासी नहीं है, ये कुछ नहीं जानता है, ये मूर्ख है, ये सारी चिट्ठियां उनको भेजा करते थे सर मजूमदार। तो सती प्रथा के मामले में हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया। सती प्रथा
भारत के जंगलों में आज भी होती है, शायद लोगों को नहीं पता है। भारत के मध्य प्रदेश के जंगलों में जाइए या हमारे जो आदि वनवासी क्षेत्र हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के, वहाँ एक परंपरा है, जिस औरत का पति मर जाता है और उसकी लाश चिता पर रखी जाती है, ये परंपरा है पूरी, तो करती क्या है वो जाके चिता के ऐसे परिक्रमा करती है, तो कहती है कि मेरा पति मर गया है, मेरी रक्षा कौन करेगा। तब उसके पुत्र खड़े होते हैं कि पिताजी चले गए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो वो सती कही जाती है। अगर पुत्र नहीं तैयार हुए तो गांव वालों से पूछती है, मेरा पति मर गया, अब कौन मेरी रक्षा करेगा। तो गांव वाले कहते हैं मैं रक्षा करूंगा, तो गांव वाले उसके लिए एक सती चौरा बनाते हैं। आज भी यूपी बिहार में जाएंगे तो सती चौरा मिलता है, तो उसको उस पर बैठाया जाता है, पूरे गांव के लोग उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, उसे सती कहा जाता है, मरती नहीं हो। अगर गांव वाले नहीं तैयार हुए तो फिर से परिक्रमा करती है और कहती है कि मेरा पति मर गया, मेरी जिम्मेदारी न तो मेरे पुत्र लिए न गांव लिया, अब कौन लेगा। तो गांव का पुरोहित कहता है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, तो पुरोहित उसको ले जाके सती चौरा पर बैठाता है और गांव वालों को जो है आदेश देता है कि सबको मिलके इसकी रक्षा करनी है, उसे सती कहते हैं। आज भी यूपी बिहार में जाएंगे सब गांव में सती चौरा है, ये पुरानी परंपरा है। लेकिन ये औरत को जलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं सब, जो धर्म परिवर्तन में लगे थे कि बकेर करने में लगे थे उन लोगों ने कहा। तो सती का महत्व क्या है, गरुड़ जी यह पूछते हैं कि भगवान आप यह बताइए, जो पुण्यात्मा है उन पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का नियम क्या है और सती का महत्व क्या है, आप उसको बताइए। तो भगवान बोलते हैं, कोई पुत्र अगर अपने पिता का क्रिया कर्म करता है तो क्या होता है, पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। कहा बहुत दान तो दिया, भगवान स्वयं कहते हैं, मैं केवल आपको पढ़ के सुना रहा हूं, कहा दान तो बहुत दिया, उसके देने से क्या लाभ अगर माता पिता का क्रिया कर्म ही नहीं किया ठीक से। इसलिए माता पिता की क्रिया अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करें। और कहा जब पुत्र वह करता है अपने माता पिता के क्रिया कर्म को तो क्या होता है, अग्निष्टोम यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है, इसलिए अवश्य करना चाहिए। माता पिता के मृत्यु के बाद पुत्र शोक को त्याग दे, शोक नहीं करना चाहिए, ये मानना चाहिए कि हाँ जो आए हैं, जब पर राजा चले गए, फिर राजा चले गए, तब पिताजी चले गए, कल मेरा भी नंबर आएगा, मैं भी जाऊंगा, तो शोक किस बात का। कहा शोक त्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सभी भाइयों को मुंडन कराना चाहिए, कैसे, बाल छिड़ाना चाहिए, बाल छिड़ा सभी भाई, और आजकल यह भी बहुत बड़ा मुश्किल है, बाल कौन छिलाएगा, बहुत मुश्किल है ना, ऑफिस जाना है लोग क्या कहेंगे, नौकरी पर जाना है लोग क्या करें। तो माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन ही नहीं कराया तो कैसे माना जाएगा कि अपने माता पिता उसे पुत्र कैसे माना जाए, किस लिए कराना चाहिए, केस में काम बसता है, बालों में कामदेव का वास हो, तो काम को त्याग करके माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहिए, इसलिए आया कि बाल छिलाना चाहिए, बाल छिलाना चाहिए। और सभी बंधुओं के साथ स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करके उसके बाद जल लेकर के जल से सौ को स्नान कराना चाहिए, और कैसे, कैसा जल हो, गंगा जी का जल हो, गंगा जी की मिट्टी हो उसको लगाना चाहिए, अगर वो भी न मिले तो क्या करना चाहिए, नदी का जल हो,
हम आप यहाँ क्या करते हैं हॉलैंड सुरीनाम में, क्रान का पानी लेते हैं और धोते हैं, ठीक, लेकिन उसमें कम से कम गंगा जल तो हम मिला ही सकते हैं, गंगा जल मिला के स्नान कराना चाहिए, फिर माला फूल पहनाना चाहिए, नवीन वस्त्र पहनाना चाहिए, फिर पिंडदान देना चाहिए, मृत्यु के स्थान पर सव नामक पिंडदान देना चाहिए, ना गोत्र के नाम से। ऐसा करने से जिस जगह दाह संस्कार होगा वहां के जो देवता हैं वो प्रसन्न होंगे। अब आप कहेंगे हॉलैंड में पंडित जी पास नहीं हो रहा है, यहाँ तो एक एक ओवन बनाते हैं जलाने के लिए, उसी में सबको डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। हम लोगों की एक कोशिश थी कि हॉलैंड में एक जगह हम हिंदुओं को मिले जहां हम एक छत हो जहां हम जला सके, और शायद आप सुने होंगे कि हमें इंग्लैंड में एक आदमी ने मुकदमा कर दिया था, एक हिंदू ने कहा मैं हिंदू धर्म के अनुसार जीता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी शरीर छूटे तो हिंदू धर्म के अनुसार मैं जलाया जाऊं, नदी के किनारे छत के नीचे खुले में मेरा सौदा हो, लकड़ी पर गैस पर नहीं। और मुकदमा वो जीत गए, हाँ, तो रास्ता तो खुल गया युवक में। तो इसलिए हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि हॉलैंड में एक सवदाह घर, क्रिमेशन का एक घर ऐसा बने जहां हम अपनी परंपरा के अनुसार जला सके सौ को। और कैसे करना चाहिए, जो शरीर छोड़े तो उसे उसका सिर जो है उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ लिटाना चाहिए, इसी तरह चिता भी बनानी चाहिए। और हॉलैंड में क्या है, एक जैसा बना है उसी में सब जा रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे जो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो जो क्रीमेशन करते हैं, यार्द है, कौन कौन है, हमारी उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर आप तैयार होते हैं तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं जो हिंदू धर्म के अनुसार हो, लेकिन उसके लिए सबको कोशिश करनी है, आप सबका सहयोग चाहिए, जितने लोग सुन रहे हैं कि हम एक सनातन धर्म के अनुसार जो है एक एक श्मशान घाट बने जहाँ पर जो हमारे जो सनातनी है जो शरीर छोड़े तो उनको वहाँ दाह संस्कार उनका किया जा सके। तो पूरी तरह से इसकी हमें कोशिश करनी है और प्रयास करना है आने वाले समय में। तो आज की कथा यहीं विराम करते हैं, फिर हम आप सबको कल इसके आगे की कथा सुनाएंगे, दसवां अध्याय की कथा। तो भगवान आप सबका मंगल करे। आप जानते हैं मैं हर रोज बोलता हूँ कि महाराज जी आ रहे वृंदावन से, और बांके बिहारी मंदिर का बहुत लोगों ने दर्शन किया है, हॉलैंड के आप लोग गए हैं बांके बिहारी जी के मंदिर तक, तो वहाँ के जो मुख्य आचार्य हैं, हम लोगों का सौभाग्य है इस मंदिर में है, और हम सबको 9 दिन नवरात्र में और उसके बाद तक जैसा प्रोग्राम होगा कथा सुनाएंगे। आप सब जरूर आइए, आप सबको जो मैं निमंत्रण देता हूँ आपका स्वागत करूँगा। मंगल हो आपसे।